प्रति प्राचार्य संचालक विश्वविद्यालय संपर्क समस्त महाविद्यालय मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जून 2022 की परीक्षा ऑनलाइन कराने के संबंध में। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, RGBP की साइड से एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको यह डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि जो है बहुत सारे विद्यार्थी यह बोलते हैं कि ये नोटिस फेक है, कहाँ से आया आपके पास, आपने बताया नहीं कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RGBP जो है सभी के एग्जामिनेशन जून 2022 में ऑफलाइन मोड में कर रहा है, क्योंकि जो है दोस्तों कोरोना वगैरह खतरा जो है वो पूरी तरह से टल गया है। और RGBP ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि आपके जो एग्जामिनेशन है जून में पेन पेंसिल मोड में जारी होंगे, वो भी दोस्तों जो है परीक्षा केंद्रों पर। तो दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा, यही जो है दोस्तों आरजीबी का लेटेस्ट अपडेट है जो कि दोस्तों मैंने RGBP की साइट से डाउनलोड किया है। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रति प्राचार्य संचालक विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय मध्य प्रदेश, विषय विश्वविद्यालय द्वारा 17 जून 2022 की परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण करने के संबंध में, यानी कि जो है दोस्तों आपका आवेदन पत्र अग्रेषण करने के संबंध में यह जो है नोटिस बनाया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार तथा परीक्षा समय सारिणी में उल्लेखित तिथि अनुसार विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 4/5/2022 से तथा सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 11/5/2022 से ऑफलाइन मोड में परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। उपरोक्त में प्रकाश में आपको अवगत कराया जाता है। दोस्तों, आपके जो एग्जामिनेशन हैं वो जून में होने हैं और जुलाई में होने हैं, और जो है मेनली सेकेंड सेमेस्टर वालों का जो एकेडमिक कैलेंडर है, तो एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अगर आप जो इसमें प्रायोगिक एंड सैद्धांतिक जो आपकी तिथि लिखी हुई है आप अपने एकेडमिक कैलेंडर से मिलाइएगा, तब आप देखेंगे कि जो इसमें तिथि लिखी हुई है आपके एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार मैच नहीं करती। यह दोस्तों मैं इसका मतलब यह है कि यह जो है 6th and 8th सेमेस्टर वालों के लिए जो है मेनली जो अपडेट है उन्हीं के लिए किया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म की लाइन है वो ओपन कर दी गई है। आप एज सून एज पॉसिबल जो है जल्द से जल्द अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों उसी विषय में जो है लेटर अपडेट हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बता दें कि यह जो 4th सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं इनके भी जो है जून में एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जो है उनके भी जो है पोर्टल पर ये अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। जब आप अपने स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पर जाओगे और वहाँ आप अपनी आईडी एंड जो है पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन होगे तो आपको फ्रंट पेज पे यानी कि आपके होम स्क्रीन पे आपको ये नोटिस अवेलेबल दिख रहा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे जो कॉलेज रहते हैं वो अपने ग्रुप में जो रहता है उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया था और मैंने इसको चेक करके पर्सनल जो है डाउनलोड किया था, फिर मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें जो है मेनली 6th and 8th सेमेस्टर वालों के लिए जो है ये अप्लाई होता है और 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अभी तक अगर आपने वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।